हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है रोटेशन ऑफ अ प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्शन को हम लोग जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे आज मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसी बताऊंगा जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशन ऑफ अ प्लेन मिरर से। तो यहाँ पर पहला केस है कि अगर हम लोग प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं बाय एन एंगल थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना टर्न होती है, ठीक है। तो इफ प्लेन मिरर is rotated by an angle theta, reflected ray turns by an angle dash, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वो हमारी इंसिडेंट रे है। अगर मिरर ऐसे रखा हुआ तो इंसिडेंट रे है, तो बट ऑब्वियस जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ जाएगी, वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो हमने रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बना दी, मैं इसको नाम देता हूँ दिस इज़ आर वन, पहली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मैं मिरर को रोटेट करता हूँ बाय एन एंगल थीटा, ये मिरर को मैंने थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया। और मिरर को जब मैंने थीटा एंगल पर रोटेट किया तो बट ऑब्वियस जो नॉर्मल होगा वो भी रोटेट हो जाएगा बाय सेम एंगल थीटा, तो ये नॉर्मल मैंने बना दिया थीटा एंगल पर। अब अगर ये सेम रे को फिर से अगर इंसिडेंट किया जाए तो इस बार ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे दिस इज़ आर टू, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देख सकते हो कि पहले रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही थी, अब रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, तो जो एंगल टर्न हुई है रिफ्लेक्टेड रे वो हुई है टू थीटा। तो अगर मान लो मिरर रोटेट होता है बाय एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती है बाय एंगल टू थीटा, और ऊपर से मिरर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है बाय एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में रोटेट हो रही है बाय ट्वाइस द एंगल। मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज़ टू टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज़ टू टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ टू टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मिरर, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं और वो है कि इफ इंसिडेंट रे इज़ रोटेटेड by an angle theta, then reflected ray turns by an angle dash, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को incident ray को हम rotate कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो ये हमारा mirror है। इस बार mirror को हम लोग ज़रा भी छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये हमारी ray incident हो रही है और ये हमने normal बना दिया, और बट ऑब्वियस ये अगर इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहा हूँ बाय एंगल थीटा इस डायरेक्शन में, अब इंसिडेंट रे मेरी यहाँ से आ रही है, तो बट ऑब्वियस रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ जाएगी, ये पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे थी, तो रिफ्लेक्टेड रे अब जाएगी इधर, ठीक है। दिस इज सेकेंड वाली रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे इस साइड घूम गई है बाय सेम एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय एंगल थीटा, पर वो थीटा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोग लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट रे, और सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इज माइनस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, और एक्सेलरेशन का खुद से लिख लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग जो है मिक्स करके भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे। तो बच्चों हम लोग जो है लगे हाँ तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो कि ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है जो इस डायरेक्शन में आ रही है, इंसिडेंट रे को हम लोग इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं विद 2 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से, और मिरर को हम लोग इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं विद 3 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी
ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो देखो हमने अभी पढ़ा कि खाली मिरर की बात करते हैं पहले, ठीक है। हमने पढ़ा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, और दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम होता है। तो यहाँ पे मिरर जो है वो 3 रेडियन पर सेकेंड है, तो रिफ्लेक्टेड रे का हो जाएगा 2 × 3, दैट इज़ इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकेंड, और वो भी उसी सेंस में रोटेट करेगा। मतलब आप ऐसे बना सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये हमने बात करी मिरर की, सिर्फ मिरर की। अब हम लोग बात करेंगे इंसिडेंट रे की, कि इंसिडेंट रे अगर रोटेट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होता है। तो उस केस में हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज़ माइनस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या नाम है, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये माइनस साइन को हटा देंगे, मैग्नीट्यूड हम लोग सेम लेते हैं, बस सेंस हम लोग माइनस साइन की वजह से सेंस ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, और क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे इस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 6 + 2, दैट इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आएगी, अगर नहीं आए तो कमेंट में मेंशन कर देना, और इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ और आप लोग वो जो है ट्राई करना है खुद से, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि अगर आपके पास यहाँ पे मिरर है और इंसिडेंट रे जो है उसको हम लोग इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं विद 15 डिग्री पर सेकंड के हिसाब से ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और मिरर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद 20 डिग्री पर सेकेंड। तो यू हैव टू फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है क्योंकि पर सेकेंड हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो खुद से ट्राई करना, और आंसर डिग्री पर सेकेंड में लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी आंसर आता है आप लोग कमेंट में मेंशन कर देना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं दो टॉपिक, पहले इमेजेस इन केस ऑफ टू प्लेन मिरर्स। देखो हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट करो 360 / थीटा। तो दो मिरर्स अगर आपके पैरेलल हैं, ठीक है, सपोज इस मिरर को हम लोग नाम देते हैं M1 और इस मिरर को हम लोग नाम देते हैं M2, तो पैरेलल है दो, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बीच में रखा है, तो हमें ये पता है कि अगर हम लोग 360 / थीटा करेंगे तो थीटा यहाँ पे जीरो, क्योंकि दोनों मिरर्स पैरेलल है, तो 360 / 0 दैट इज़ इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो इनफाइनाइट बनने वाली है, ये तो चलो आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, यहाँ पे कंटिन्यू लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी और इमेजेस इस साइड फॉर्म होती रहेगी, ठीक है। अब सपोज ये डिस्टेंस आपको एक्स दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको वाई दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस सपोज डी है, तो आपको ऐसे पूछा रहता है कि फिफ्थ इमेज M1 मिरर से कितने डिस्टेंस से बनेगी, या थर्ड इमेज M2 मिरर से कितने डिस्टेंस से बनेगी, तो वो हम लोग जो है पता करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज जो है यहाँ पे पीछे साइड x डिस्टेंस पे बनने वाला है, दिस इज़ इमेज नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इस मिरर की अगर हम बात करेंगे तो y डिस्टेंस पे है, तो पीछे y डिस्टेंस पे इमेज बनेगा जिसको हम लोग नाम देते हैं इमेज नंबर 2। अब ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो आप देख सकते हो इस मिरर से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी प्लस एक्स, तो इधर पीछे साइड इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस पे, दैट इज़ डी प्लस एक्स, और इसको हम लोग नाम देते हैं दिस इज़ I1 डैश। सिमिलरली ये जो इमेज I2 है वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और क्योंकि ये y प्लस डी डिस्टेंस पे है M1 मिरर से, तो पीछे y प्लस डी डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे I2 डैश, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको पूछा है फिफ्थ इमेज कहाँ बनेगी, तो आप लोग जो है ऐसे मेहनत करोगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा, तो हम लोग सिंपल मेथड लेके आए हैं यहाँ पे।
एक लाइन खींचो, यहाँ पे M1 लिख दो, यहाँ पे M2 लिख दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का M1 से डिस्टेंस कितना है X, तो यहाँ पे X लिख दो। ऑब्जेक्ट का M2 से डिस्टेंस कितना है Y, तो यहाँ पे Y लिख दो। और उसके बाद सिर्फ आपको ऐड करना है द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स, दैट इज़ D। ऐड करते जाओ, तो X में ऐड करेंगे तो हो जाएगा X प्लस डी, Y में ऐड करोगे हो जाएगा Y प्लस डी, फिर से आप क्रॉस बना के ऐड करो, दिस इज़ Y प्लस 2D, यहाँ पर हो जाएगा X प्लस 2D, फिर क्रॉस बना के ऐड करते जाओ, दिस इज़ X प्लस 3D, दिस इज़ Y प्लस 3D, एंड सो एंड सो फॉर, ठीक है। तो अब आपको पूछा है कि जैसे M1 मिरर है, वहाँ से देखो फर्स्ट इमेज जो है वो X डिस्टेंस से बन रही है, सेकेंड इमेज जो है वो Y प्लस डी डिस्टेंस से बन रही है, थर्ड इमेज X प्लस 2D, ऐसे करके आप जो है कोई भी इमेज फाइंड कर सकते हो M1 मिरर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और M2 मिरर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इमेजेस कितने डिस्टेंस से बन रही है वो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे भी मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको बताना है फाइंड द पोजिशन ऑफ सिक्स्थ इमेज फ्रॉम M1 and third image from M2, ठीक है। और यहाँ पर है आपका M1, यहाँ पर है आपका M2, दिस इज M1, दिस इज M2, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों डिस्टेंस आप लोगों गिवन है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है और कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा देखते हैं, दैट इज़ डिविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में देखो क्या होता है कि ये प्लेन मिरर है, लाइट ऐसे आ रही है, दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट टकराने के बाद ऐसे जाएगी, दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो लाइट डिविएट कितनी हुई, तो नॉर्मली बच्चे लोग आंसर देते हैं डिविएशन इज़ 2 times I, तो बच्चों वो आंसर आप लोगों का नहीं होगा। आप लोगों को जो है डिविएशन मतलब लाइट कहाँ जा रही थी और फिर वो कहाँ चली गई, तो दिस विल बी द डिविएशन, ठीक है। और अगर आप वैसे तो आंसर 2I बोलना नहीं चाहिए, पर अगर बोलते भी हो तो फिर आप सेंस बताओगे किस डायरेक्शन में बोल रहे हो आप, ठीक है। तो वैसे हमारा यहाँ पे जो डिविएशन होता है दैट इज़ इक्वल टू, ये टोटल 2I है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल 180 डिग्री हुआ, तो ये डिविएशन जो हो जाएगा दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 2I, तो मैंने उसको लिख दिया पाई माइनस 2I। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ माइनस 2I प्लस पाई, और फिर मैं इसको कंपेयर कर लूँगा वाई इज़ इक्वल टू MX प्लस C, जिससे मुझे ईजिली मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ, डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ। तो डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ अगर मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C मतलब Y इंटरसेप्ट, कि Y एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे टच करेगी, तो Y एक्सिस पे टच करेगी पाई पॉइंट पे, 0.π लिख सकते हो तुम इसको। एक्स एक्सिस पे हमने आई लिया है, वाई एक्सिस पे डिविएशन लिया है, स्लोप इज नेगेटिव, जब भी नेगेटिव स्लोप होगा तो लाइन ऐसी होगी, जब भी पॉजिटिव स्लोप होगा तो लाइन ऐसी होगी, ठीक है। और ये पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है, तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, तो इस इक्वेशन में डेल्टा को 0 कर दो, आई की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पाई बाई 2, 0, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का डिविएशन वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ फॉर अ प्लेन मिरर, ठीक है। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे 2 केसेस होंगे। सबसे पहला केस जो है वो है परपेंडिकुलर टू द मिरर, इसका मतलब अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है मिरर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होता है। तो देखो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका इमेज जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। फिर अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इमेज इधर मूव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस मूव करता है तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, और ये मिरर है, हम लोग लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पर क्योंकि
ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लोग लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी इज वी ए माइनस वी बी, दिस इज माइनस ऑफ वी नॉट माइनस वी एम। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये सब चीज़ें जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है जब भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो, ठीक है। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बता दूंगा। सेकेंड जो है दैट इज पैरेलल टू द मिरर, अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसका इमेज भी यहाँ पे होगा, और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर मूव करेगा तो इमेज भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम, और यहाँ पे ये जो वी एम वी एम कैंसिल हो जाएगा, दिस इज वी आई इज इक्वल टू वी ओ, और ये भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। बच्चों ध्यान रहे यहाँ पे, क्योंकि वी एम वी एम कैंसिल हो गया है, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मिरर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर गिवन भी हो कि मिरर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन की बात हो रही है, अगर ये डायरेक्शन में हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है मिरर तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, पर अगर पैरेलल डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है तो फिर हमें उसकी वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हम लोग जो है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि मिरर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विद 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और तुमसे पूछा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन का फॉर्मूला है वी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vm माइनस V0, तो ये हो जाएगा दिस इज 2 टाइम्स Vm इस डायरेक्शन में है तो हम लोग नेगेटिव लेंगे दैट इज -2, और V0 इस डायरेक्शन में तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे दैट इज +5, और सॉल्व करने पर मिलेगा -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि आंसर है अपना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर मान लो ऐसा गिवन है अगर ऐसा गिवन है कि यह वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यह एंगल आप लोगों को दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। खाली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, और मिरर रेस्ट पे अभी, तो हमें क्या करना है, हमें इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉस 37 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 4/5, और साइन 37 की वैल्यू जो होती है दैट इज़ 3/5, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको याद रख सकते हो, और सॉल्व करने भी ये 10 है, ये एंगल 37 है, तो ये हो जाएगा 10 cos 37, और 10 cos 37 की वैल्यू होगी 4 into 2 दैट इज़ 8, और 10 sin 37 की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। तो देखो इसमें कैसा है कि परपेंडिकुलर वाला भी केस है और पैरेलल वाला भी केस है, ठीक है। तो पहले हम लोग पैरेलल के लिए परपेंडिकुलर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस इज़ वी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vm माइनस V0, Vm की वैल्यू 0 है, V0 जो है वो इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, दिस इज़ 8, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। और पैरेलल के लिए जो फार्मूला हमें पता है दैट इज़ वी आई इज इक्वल टू V0, तो यहाँ पे V0 की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 6, तो Vi इज ऑल्सो 6। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -8i + 6j, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब तीसरा हम लोग जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 15, ये मीटर पर सेकंड था,
तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, दस 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। और फिर से हम लोग जो है इस बार एंगल चेंज करके 53 कर देते हैं, जैसे इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। और मिरर को भी हम लोग इधर मूव करवा देते हैं इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी जो है वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसको ये एंगल हम लोग 37 दे देते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। कॉस 37 की वैल्यूज़ आप लोगों को पता है, तो ये हो जाएगा 5 cos 37, तो 5 × 4/5 जो है 4 हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में 4 है, और इसके इस डायरेक्शन में हो जाएगा 15 cos 53। cos 53 और sin 37 सेम होता है, तो ये हो जाएगा 3/5, तो 15 × 3/5 = 9, तो ये हो गया 9। तो पहले परपेंडिकुलर वाला केस यूज़ करेंगे, vi = 2 times vm - v0, दैट इज़ इक्वल टू 2 times। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 है तो हम लोग लिखेंगे -4, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 9 है तो हम लोग लिखेंगे +9। आंसर विल बी 9 और 8 कितना होता है 17 और सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पैरेलल की अगर हम लोग बात करें पैरेलल डायरेक्शन में, तो ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, मिरर की वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में क्या है उससे हमें कोई लेने देना नहीं है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में उसी से मतलब है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही ये है कि vi = vo, यहाँ पे मिरर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी 15 sin 53, और वो हो जाएगा sin 53 = cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा 15 × 4/5 = 12, तो ये हो जाएगा 12 cm/s। फाइनल आंसर इज -17i + 12j। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है या ज़्यादा जल्दीबाजी कर ली हो मैंने तो आप लोग जो है कमेंट में बता देना, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना। मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ कि मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज़ 6 cm/s, और ये एंगल जो है वो 30 degree है, और मिरर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज़ 10 cm/s एंड एंगल इज़ 60 degree, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को जो है फिर से मुझे बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है। तो 3 question मैंने आप लोगों को दिए हैं, तीनों के जवाब एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, इंटरेक्शन बना रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और मुझे भी मज़ा आएगा और वीडियोस डालने में, ठीक है। अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जो है क्या बेल आइकन दबा देना, ठीक है। थैंक यू।